जब तक सूरज चांद रहेगा आरटीआई एक्टिविस्ट सह पत्रकार अविनाश झा का जो निर्मम हत्याकांड हुआ है इसके पीछे पूरा का पूरा मेडिकल माफिया मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मुख्यालय में जितने भी मेडिकल माफिया है उनका ही हाथ है। भले ही अलग अलग तरह की अफवाहें वो प्रशासनिक स्तर पर भले ही अप्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुँची हों या कुछ मीडियाकर्मी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हालांकि ये जो लड़ाई है ये मीडिया के ही बदौलत इतने आगे बढ़ रही है और नाई की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ही इसमें कुछ गलत मैसेज फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन इसका पूरा का पूरा मेरे पास साक्ष्य और सबूत है कि अविनाश की हत्या सिर्फ और सिर्फ मेडिकल माफियाओं के द्वारा करवाया गया है, जिसका साक्ष्य हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, कम से कम 100 से अधिक पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लगातार वो कार्रवाई करवा रहा था बेनीपट्टी के तमाम अस्पतालों के खिलाफ आरटीआई करके, और तमाम आदेश भी आ रहे थे बाजाबता स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कि कौन कौन सा अस्पताल को बंद करने का आदेश है। ये पुराना आदेश है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे 9 अस्पतालों को एक दिन में बंद किया गया था अविनाश के कार्रवाई करवाने के बाद। बाजाबता सिविल सर्जन ने भी 3 दिन पहले बयान दिया है कि अविनाश झा जिसकी हत्या हुई है उसकी वजह से बेनीपट्टी क्षेत्र में तकरीबन अब तक 19 से अधिक अस्पतालों में ताले लग चुके हैं और लाखों जुर्माना लगा है। और हाल फिलहाल में मैं बता दूं कि 7 नवंबर को अविनाश ने फेसबुक पर एक स्टेटस लगाया था कि खेला हो भी, उसमें एक उसने स्वास्थ्य विभाग का एक कटिंग डाला था, पेपर कटिंग था, उसमें तकरीबन 7 से 8 अस्पतालों का नाम था जिसमें उसने लिखा था कि 15 तारीख से फिर से खेला होगा, यानी कि कुछ खुलासा या कार्रवाई करवाने वाला था। और इसी बीच 9 नवंबर को वह लापता हो गया और 12 तारीख को उसकी लाश मिली। इसके पीछे और कोई नहीं, ये सामान्य सा समझने वाली बात है, इसके पीछे मेडिकल माफिया सब हैं जो यहाँ पर करोड़ों का कारोबार करते हैं। और बेनीपट्टी अब एक ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ पर तकरीबन 200 से अधिक फर्जी नर्सिंग होम है, जहाँ पर कि डॉक्टर का नाम आपको बोर्ड पे कुछ अलग मिलेगा और अंदर डॉक्टर कोई और रहते हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि प्रैक्टिशनर रहते हैं जो जहाँ पर चीर फाड़ का काम करते हैं और मौत के सौदागर वो बन चुके हैं। लाखों करोड़ों का यहाँ पर खेल होता है और सिर्फ इस बात को समझा जा सकता है कि अविनाश झा ने जो भी करवाई उस पर प्रशासन अमल करती थी, 1 महीने बाद फिर वो खुल जाता था, अभी भी कितना इतना खुला हुआ है। और मैनेजिंग सिस्टम प्रशासन पर सवालिया निशान ये भी है, अगर अविनाश ने अगर सिर्फ 2 साल से इस मुहिम को शुरुआत किया था और मुहिम शुरुआत करते ही तकरीबन दर्जनों अस्पतालों पर अगर ताले लग गए, यानी इससे पहले तमाम अस्पताल मैनेज करके रख रहे थे प्रशासन को, यहाँ के सिविल सर्जन को, यहाँ की प्रशासन को, थाने को, तो इस नेक्सस को कहीं ना कहीं छेड़ने का काम किया था अविनाश ने, और अविनाश ने सफलता भी हासिल की थी जिसके कारण दर्जनों अस्पताल बंद हुए थे और उसको वो आगे बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से आज हमारे बीच आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार अविनाश नहीं है। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इसकी न्यायिक जांच हो, जल्द से जल्द इसकी जांच हो, और इसके पीछे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सिर्फ मोहरे हैं। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि वो हत्यारे हैं, लेकिन वो सिर्फ हत्यारे, उनके पीछे कोई ना कोई नेक्सस है, कोई गिरोह है जो उन्हें इसके लिए उकसाया है। 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपये की डील हुई है, क्योंकि जो लोगों जिन बच्चों ने जिन लड़कों ने इनको अविनाश की हत्या की है वो हमारे घर पर कल तक आकर के संवेदना प्रकट कर रहा था, वो हमारे बीच में था क्योंकि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच का लड़का है, वो सबके कहीं ना कहीं अविनाश के संपर्क में था, मित्र था, उस सबको बढ़ा चढ़ा करके एक नेक्सस बना करके षड्यंत्र के तहत एक डील करके लाखों करोड़ों का अविनाश की हत्या कराई गई है। 72 घंटा के टाइम जो हम सब प्रशासन के देने रही है, 72 घंटा के अंदर अगर ओकर रुख में परिवर्तन नहीं हो जाए तो हम सब CBI जांच के मांग करै छी। घटना बिहार पुलिस के जांच पर हमरा सब के भरोसा नहीं है और कल का मन से हम सब नया आंदोलन के घोषणा करब और हम सब गोटे कदम में कदम मिलाकर एक न्याय दिलाबे के काज करब। अही के संग अपन बात समाप्त करै छी। जब तक सूरज चा